आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को है। इस दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु का निद्रा काल शुरू होता है, यानी इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास शुरू होने के बाद से सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आमतौर पर चातुर्मास की अवधि 4 महीने होती है, लेकिन इस बार ये 5 महीने का होगा। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। बता दें कि इस साल चातुर्मास 29 जून से लगेगा और 23 नवंबर को खत्म होगा। इस बार श्रावण पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 2 माह तक है, इसलिए चातुर्मास की अवधि भी 5 महीने की होगी। चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ से होगी और कार्तिक महीने की एकादशी के दिन ये खत्म होगी। बता दें कि इस दौरान मुंडन, उपनयन संस्कार, विवाह इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण मांगलिक कार्यों पर रोक लगती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में मांगलिक कार्य करने से व्यक्ति को उसका आशीर्वाद नहीं मिलता, जिस वजह से विघ्न उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।